आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही चोरी की वारदात की ये तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं, जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज को जरा ध्यान से देखिए, किस तरह से 5 नकाबपोश युवक देर रात को एक दुकान पर पहुंचते हैं और धीरे धीरे शटर को उखाड़ देते हैं। फिर 2 चोर दुकान के अंदर घुस जाते हैं और 3 दुकान के बाहर पहरा देते हैं। दुकान के गल्ले में रखे लाखों रुपयों को निकालना शुरू कर देते हैं और चोर अपनी जेबों को पैसों से भर लेते हैं। और इसी बीच दुकान मालिक को चोरी का शक हो जाता है और भगदड़ मच जाती है। वहीं चोरों को पकड़ने के लिए दुकानदार के 2 बेटे छत से कूद पड़ते हैं, जिसमें एक का पैर टूट जाता है, लेकिन चोर दुकान से मौका पाकर रफूचक्कर हो जाते हैं। आइए आपको एक बार फिर चोरी की वारदात की पूरी तस्वीरें दिखाते हैं। तारीख है 18 तारीख को 1:00 में, मतलब हम लोग 12 बजे दुकान बंद किए हैं, इसके बाद 1:00 में चोर आए और हम लोग पीछे सोए रहे थे। इसके बाद में वो लोग कुछ ऐसे आवाज़ आया, मेरे घरवाली बोली जो शटर उठ गया, तो मैं बोला हो सकता है बिल्ली उल्ली कोई झटका मारी होगी। इसके बाद में मेरे बीवी ने बोली जो सर ऐसा ऐसा बात है, इसको देखो चोर घुस गया। मैं बोला जो चोर कैसे घुसेगा, तो मैं आहने लगा। इसके बाद में जब गला वो लोग खोले हैं तब मुझे पता चला जो वो इतना चोर घुस गया, तो मेरी बीवी ने आवाज़ लगाई जो चोर चोर चोर, इतने देर में वो लोग गला साफ करके लेके चले गए। सर यही बात। कितने पैसे थे उसमें? उसमें लगभग बिक्री हम लोग 2 दिन का रखे थे, एक तो कल बिक्री हुआ था, उस दिन हुआ था, एक दिन पहले दिन के कोई पार्टी नहीं आया था। मैंने 4 लाख से लेकर 4.5-5 लाख रुपये तक होगा, मैं गिनती नहीं, गड्डी था उसमें वो लोग चोरी करके ले चले गए। आप जब निकल के आए कमरे से फिर क्या हुआ बेटा? हाँ, तो मेरा लड़का जो है ऊपर से दो, मैं इधर से निकला, गेट खोलने का मौका नहीं मिला, मैं छड़प गया, मेरी बीवी भी छड़प गई और मेरा लड़का जो है छत से 2 आ गए। मैंने आया सेटल दबाया तो सेटल दब नहीं रहा था, मतलब चोर इसी में, लेकिन चोर दोनों भाग गए थे। सर आने के बाद में मेरा बच्चे को टांग टूट गया। दरअसल ये चोरी की वारदात 18 जनवरी को बीती रात बसंतपुर इलाके की बताई जा रही है। दुकान मालिक की माने तो वो और उनकी पत्नी दुकान के पीछे ही सोते हैं और ऊपर के पोर्शन में उनके बेटे सोते हैं। रात को जैसे ही चोर दुकान के अंदर के सामान को चुरा रहे थे तो उनकी पत्नी को शक हो गया कि दुकान में चोरी हो रही है, तो उन्होंने शोर मचा दिया और फिर वो दुकान की तरफ भागे। आवाज सुनते ही बेटे भी चोरों को पकड़ने के लिए छत से कूद गए, जिसमें उनके एक बेटे के पैर में फ्रैक्चर आ गया, लेकिन तब तक चोर मौका देखकर मौके से भाग चुके हैं और चोरी की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पल्ला थाने के एरिया के अंदर एक दुकान के अंदर शटर तोड़ के और करीब 4 लाख रुपए लेके गए हैं, उसमें जो आरोपी है वो सीसीटीवी के अंदर कैद हो गए, सीसीटीवी फुटेज हम देखने लग रहे हैं और जल्दी उनकी पहचान करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। अब देखना यह होगा कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में कब होंगे। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।